सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फाइनली निकल रहे हैं। कहाँ के लिए निकल रहे हैं भैया? हंडर कैमल राइड। हंडर जा रहे हैं, वहाँ पे कैमल राइड होती है। एंड इस होटल में हमने स्टे किया था। ये भाई लोग हमें भैया ने हमें किया राजस्थान से ज्वाइन। ये भैया मध्य प्रदेश। और भैया आप कहाँ से हो? त्रिपुरा। तो भैया त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, इंदौर और राजस्थान। और सर यूपी के, लेकिन बेसिकली जम्मू में। तो निकल रहे हैं अभी दिस्कित के लिए, आगे के लिए। एंड आपको दिखाते हैं क्या व्यू है, क्या कैमल राइड है, हर एक चीज़ दिखाएंगे। उसके बाद देखते हैं पेंगोंग के लिए जाते नहीं जाते। सारे मुझे फोर्स कर रहे हैं पेंगोंग के लिए। सो गाइस व्यूज चेक करो यार। सबसे पहले देखो, हर एक वीडियो में व्यू ही बता रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे व्यू ही है देखने के लिए। तो देखो पहाड़ ही पहाड़ आगे पीछे और बादल बिल्कुल सामने है। मौसम है ठंडा ठंडा। एंड जब भी सुबह आप अपनी अगर बाइक्स पे आ रहे हैं ना, तो मैं आपको एक चीज़, जो लोग बुलेट वाले हैं स्पेशली, कभी भी आप बुलेट सेल्फ मत कीजिए, सेल्फ स्टार्ट मत कीजिए। उसको चोक लगाइए एंड किक से स्टार्ट कीजिए। एंड थोड़ी देर उसको स्टेबल रहने दीजिए, कोई 1-5 मिनट, कोई 2-3 मिनट के लिए रख लीजिए। जैसे अब मेरी बाइक है सुबह स्टार्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम मेरी थी, बिकॉज ठंडा इतना है कि बाइक स्टार्ट होने में थोड़ा मुश्किल लेती है। तो जैसी बाइक स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको कम से कम 2-3 मिनट स्टार्ट रखनी है बाइक। सो भाई पेट्रोल पम्प यहाँ पे भी है, ऑलमोस्ट आपको हर एक जगह मिल जाएगा। फिर भी अपने लिए बैकअप के लिए एक ले चलिएगा। अभी हमने डलवाया था, आते हुए डलवाएंगे, बिकॉज अभी तो मुझे लगता नहीं है 100-100 का तेल डलवा के फायदा नहीं है कुछ। व्यू चेक करो यार, वो देख रहे ऊपर पहाड़, पहाड़ों के ऊपर बर्फ, सेक्सी। और जहाँ पे हमने होटल में स्टे किया था, बहुत अच्छा होटल है। एंड मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, जो होटल का नाम मेरे को अभी एग्जैक्टली नहीं पता, तो वो शेयर कर दूंगा। साइड पे आपको दिख जाएगा होटल का नाम। एंड जो वहाँ पे हमने टेंट लिया था, जैसे कि टेंट में बहुत अच्छा रहा हमें, कंफर्टेबल भी था। एंड हम पर पर्सन 500 रुपीज़ हमने पे किया था उनको। एंड उनका जो फूड क्वालिटी है अच्छी है, एंड फूड का जो प्राइस है वो भी बहुत लो है। सो कभी भी आप आए इस साइड पे तो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सो गाइस चेक करो, ग्रीनरी है यहाँ पे। ऊपर देखो पहाड़ों में बर्फ है, नीचे बादल है और नीचे बिल्कुल ओके रिपोर्ट। सो दूर दूर तक देखो आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। वहाँ में देख रहे हो हल्का हल्का सा दिखेगा, अगर आप फुल व्यू करेंगे वीडियो का तो वहाँ पे देखो पहाड़ के पास ही बादल हैं, एक वहाँ पे है। सो एक अलग ही एक्सपीरियंस है लाइफ का। अपने भैया ना कुछ ज़्यादा ही, मुझे लग रहा है नरेश भाई कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। जैसे ही इन्होंने पूछा कैमल राइड, बंदे ने इशारा किया और ये पहले ही बाइक खींचने लगे हैं। अच्छा थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग है, ऑफ रोडिंग भी नहीं बोल सकते, थोड़ा कच्चा रोड है। एंड इस साइड में देखो पानी है, ये बेसिकली दलदल है यार। और आपको पता है ये भाई महाराष्ट्र से यार, सॉरी MP से बाइक चला के लाए हैं। और जो पीछे बाइक बैठे हैं उनको दिल्ली से पिक किया, वहाँ से इकट्ठे आए हैं। और ये लोग कहाँ मिले हैं? फेसबुक से मिले हैं यार। देखो मैंने बोला ना प्यार होना चाहिए, बाकी लोग दूर दूर से मिल जाते हैं यार। अब हम भी तो मिले एक दूसरे से। फाइनली हम पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं हुंदर। हुंदर आपको दिखाता हूं, हुंदर बैकग्राउंड देखो, फिर मैं आपको दिखाता हूं फ्रंट कैमरे से। सो बेसिकली यहां पे है कोल्ड डेजर्ट। एंड वहां पे आपको दिखाता हूं कैमल राइड भी होती है। रुको मैं आपको फ्रंट कैमरा खोल के दिखाता हूं। देख सकते हो सामने, ये यहां पे कैमल दिख रहे हैं कैमल। तो बाकी व्यू चेक करो, आगे पीछे बर्फ ही बर्फ है। एंड ये पहाड़ियाँ भी कुछ अलग लेवल की हैं यार। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने आप को हाथ मुंह धो सकते हैं। एंड बाकी वहाँ पे एक कुछ खाने को कैफेटेरिया टाइप है। एंड वॉशरूम भी है यहाँ पे उस साइड पे, कहाँ पे? इस साइड पे, ये देख लो यहाँ पे। यहाँ से आप देखेंगे तो एक छोटा सा पुल आएगा लकड़ी का, इसको क्रॉस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी पानी है, पानी पानी के। और देखो कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है, दिखाता हूँ आपको। देख रहे हो पानी पूरा दिख रहा है, पत्थर दिख रहे हैं नीचे के। एंड ये देखो ये यहाँ पे मस्ती हो रही है। तो आगे कैमल है, कैमल के पास जाते हैं, दिखाते हैं आपको कैमल में ऐसा कुछ क्या डिफरेंस है। तो गाइस चेक करो यहाँ के कैमल, यहाँ के ऊंट। और देख सकते हो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अभी मैं पास पहुँचा नहीं हूँ। तो देख सकते हैं उनकी जो पीठ है वहाँ पे ऐसे है, दो बार को। और एक छोटा सा कैमल भी यहाँ पे, छोटे छोटे कैमल सी, कुछ अलग ही है यहाँ पे, ये देख रहे हैं है ना, कुछ डिफरेंट से। और भाई फर्स्ट टाइम ऐसा है कैमल देखा मैंने यार, हमारे वहाँ पे वैसे देखने को मिलते भी नहीं। और ये जो कैमल है वो यही मिलते हैं। हाँ ये देखो सामने,
कैमल की फोटो अच्छी आ रही है, वैसे बैकग्राउंड भी अच्छा है। वो देख दूध पी रहा है। कौन? ऊंट है ये बच्चा। अच्छा ये देखो भाई, ज्यादा पास जा नहीं सकता, थोड़ा डर लगता है यार। देख लो सो, ये देखो छोटा सा कैमल है, ये भी सेम टू सेम डिटो कॉपी है। गाइस चेक करो, सब लगे हैं फोटो खींचने, हमने भी खींच ली है, देख सकते हो। ये थोड़े प्रीमियम वाले ऊंट है तो ये दूसरे वाले हैं, ठीक है। प्रीमियम वाले क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इनके यहाँ पे इन्होंने गद्दी सी रखी हुई है, किसी किसी में है किसी किसी में नहीं है, या फिर अभी सुबह का टाइम में भी ऐसे ऐसे सब में डालेंगे। तो बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू कितना प्यारा है, सब लोग लगे हुए हैं। एंड अभी थोड़ा अच्छा हुआ कि धूप आ गई है, हमें आने जाने में ईजी हो जाएगा, बिकॉज थोड़े दिन से बारिश का इशू हो रहा था। तो आप बताइए आपको कैसा लगा यहाँ पे आके एंड ये वीडियो देख के, अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो ये भी मिल जाएगा गेम बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, यहाँ पे अगर आप सामने बिल्कुल सेंटर में लगा तो आपको दो एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, 100 रुपीज़ की आपको फाइव ट्राई मिलेंगी, है ना भैया। 100 की कितनी मिलेंगी? 100 की 5 मिल जाएंगी, अगर आपने 20 सेंटर में मारा तो दो एक्स्ट्रा, तो दो एक्स्ट्रा मिल जाएगी भाई, तो देख सकते हो आप। सो भाई वहाँ पे चेकआउट करो, घर देखो कहाँ पे बने हुए हैं यार, किस पहाड़ पे। अब उस पहाड़ का रास्ता पता नहीं कहाँ से, आपको ना फोटो क्लिक करके मैं दिखाऊंगा, फोटो आपके साइड पे दिख जाएगी। तो बिकॉज यहाँ पे मैं अगर फोटो जूम करूँगा तो वो पिक्चर आ जाते हैं, तो आपको फोटो क्लिक करके आपको वीडियो में दिख जाएगा। एंड चेकआउट करना यार सीरियसली, ये जैसे पहाड़, आधा पहाड़ है आधा घर है, कुछ अलग ही चीज़ है। एंट्री टिकट, सो भाई आपको लेनी पड़ेगी एंट्री टिकट। सो गाइस 60 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन, एंड देखते हैं अंदर क्या है। तो वीडियो को देखते रहिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो अब निकलते हैं आगे की तरफ। हाँ हमने जाना है वहाँ पे जाना है यार, देख रहे हो। सो भाई लोग हम पहुँच गए हैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे, जो अब है इसके बाद निकलेंगे वापस अपने होटल की तरफ। तो देख सकते हैं कितना रश है भाई, और व्यू देखो वहाँ से कितना प्यारा है, खुला आसमान। सो गाइस चेकआउट करो यार, ये नीचे पता नहीं कौन सा विलेज है या क्या है, खुला आसमान है यहाँ पे, वाह। ऊपर गिरी है बर्फ, नीचे ओके है, और यहाँ पे लोग रहते हैं इतनी दूर दूर तक, यार कैसे रहते होंगे मैं ये सोच रहा हूँ। पहुँच गए जिसकित मोनेस्ट्री, आपको दिखाते हैं अंदर क्या है, क्या व्यू है यहाँ से ऊपर पहुँचने के, तो वहाँ तक पहुँचना है फिर देखते हैं। सो गाइस इन घरों की बात कर रहा था, देख सकते हो बिल्कुल पहाड़ पे है, ऊपर भी पहाड़ और नीचे भी पहाड़। गाइस चेकआउट करो, पहले चलते हैं यहाँ से राउंड, देन दिखाते हैं। देख रहे हो, चेकआउट करो गाइस, व्यू भी चेक करो साथ साथ। सो गाइस चेकआउट करो, ऐसे